हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सी दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज MCQs आर कमिंग एंड इवन दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वन वर्ड आंसर। So properly you have to watch this video because it is going to play a very important role in your examination. So if you have completed the chapter, then you can analyze yourself with the help of these questions. So let's begin question number 1. What it is saying, see, if x minus 5 by 2 is equal to 3 upon 2, then x is equal to what? So you have to find out the value of x. See, ye hum kis tarike se nikalenge? Let's write down the question here. X minus 5 by 2 is equal to 3 by 2. See, 5 by 2 will go this side. So, it will become X is equal to 3 upon 2 plus 5 upon 2. Okay. Now, see, the denominators are same. So, you can just add the numerators. 3 plus 5 is 8 upon 2. It will become 4. So, value of X will be what? Value of x will be 4. Fine. So, आपका answer क्या आ जाएगा? See, the answer will be 4. Next one. If x upon 4 is equal to 3, then 2x plus 1 is equal to what? देखो, यहाँ पे आपको x का value निकालना है, तो आप cross multiplication कर दो. x1 जा x and 3 4 जा 12. So, x का value तो आपका 12 आ गया, लेकिन आपको किसका value निकालना है? आपको इसका वैल्यू निकालना है 2x plus 1 का, ठीक है? सो 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1, इसका वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 12 टू जा 24 प्लस 1 25. डी ऑप्शन इज योर आंसर. नेक्स्ट वन, नाइन एम माइनस 9 इज इक्वल टू 81, देन m इज इक्वल टू वॉट? सी, 9m, this minus 9 will go to the other side, it will become plus 9. So, 9m, 81 plus 9, कितना हो जाएगा आपका? 9m is equal to 90. कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा. So, m का value अगर find करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 90 को 9 से divide करना पड़ेगा. तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 10 जा 90. सी ऑप्शन इज योर आंसर. नेक्स्ट वन, इफ k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन k प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? देखो, इस तरह के सम में आप सबसे पहले तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. लेट्स सी हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सी हियर इट इज गिवन दैट k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखो, k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0. यहाँ पे माइनस 1 जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो k का वैल्यू आपका 1 आ गया. आपसे पूछ क्या रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं k प्लस 1 बताओ. इसमें k की वैल्यू हम डाल देंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2. आंसर कितना आएगा आपका? 2. सो फोर्थ क्वेश्चन में योर आंसर विल बी 2. लेट्स लुक. So, in the fourth question, answer is 2. Fine. Next, the equation that has x equal to 3 as a solution is, जिसमें से आपको 3 solution मिल रहा है, इसका मतलब आपको ये चारों equations को solve करना है, ठीक है? देखो, अब हम orally solve कर लेते हैं इसको. Minus 10 अगर इधर जाएगा तो plus 10 हो जाएगा ना. 4 plus 10, 14 होता है. और फिर क्या हो जाएगा? 5x equal to 14 हो जाएगा. x equal to 14 divided by 5 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 15 होता तो हमें 3 मिल जाता, लेकिन यहाँ से हमें नहीं मिलेगा, मतलब a तो हमारा आंसर नहीं है. यहाँ पे देखते हैं, माइनस 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x equal to 3 plus 9, 12. x equal to 12 divided by 4, that is 3. सो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर हमें मिल गया. ऑप्शन नंबर बी से हमें x equal to 3 मिल रहा है, ठीक है? सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. देखो, हम ये वाली दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए.
देखो ये 2x है, 8 माइनस 1 हो जाएगा ना, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर आप उसे लेफ्ट से राइट ट्रांसफ़र कर रहे हो या राइट से लेफ्ट ट्रांसफ़र कर रहे हो, दोनों में एक ही चीज़ होगी, साइन आपकी इन्वर्स हो जाएगी। 8 माइनस 1 क्या होगा, 7, x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। 3 नहीं आ रहा ना, इसलिए सी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, आपको 3 चाहिए। देन यहाँ पे देखो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, x इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4, लेकिन यहाँ पे आपको 3 चाहिए, ठीक है, इसका मतलब डी भी नहीं होगा, आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ से आपको x इक्वल टू 3 सॉल्यूशन मिल रहा है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस 2 विल गो टू द अदर साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 अपॉन 3 हो जाएगा, सी वेयर द ऑप्शन इज, ये रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 49, देन x इक्वल टू व्हाट, सी प्लस 7 उस तरफ चला जाएगा, तो 49 में से आपका 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 42 बचेगा ना, तो 7x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 7, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7 6 42। नेक्स्ट की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम y इज इक्वल टू 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ओके, मीन्स आपको y इज इक्वल टू 5 है ना, सारी इक्वेशन में रख के देखना है कौन सी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है वो बताना है। देखो इसमें आप y का वैल्यू 5 रखो, 9 5 का क्या हो जाएगा, 45 प्लस 1 46 हो रहा है ना, तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे देखो 3 5 का 15 माइनस 10 5 मिल रहा है ना, सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। इधर देखो 6 5 30 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 22, ठीक है ना, ये इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा ना, जबकि यहाँ पे आपको 15 दिया है, सो ये मिसमैच हो रहा है आपका 11 और 15, इसीलिए आपका ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फाइन, व्हेन 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 5, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबोव कंडीशन इज व्हाट, व्हेन 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आ गया ना, मतलब लेटर पार्ट आपको पहले लेना है, ठीक है, तो देखो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, हमारा क्वेश्चन बिगिन यहाँ से हो रहा है, ठीक है, 3/4 ऑफ अ नंबर, सो 3/4 ऑफ अ नंबर हम मान लिया x, नंबर हमने मान लिया x, उसका 3/4 लेना है, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से क्या करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो क्या हो जाएगा आपका, द रिजल्ट इज 5, रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है, तो ऐसी इक्वेशन कहीं दिखाई दे रही है हमें, ओके, ये रही, इसमें जस्ट आई हैव टेकन हियर एक्स एंड दे हैव टेकन हियर एस पी, सो अननोन नंबर तो आपको कोई भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो ए टू जेड में से, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडे, आई होप एवरीबडी एंजॉयड एंड लाइक द वीडियो and understood the video properly. If you really liked and enjoyed the video, please give it a like, share among your friends and subscribe my channel for more such videos. In the next videos, I'll be discussing the MCQs of the next chapter. If you have any doubt, you can comment me in the comment section. Thanks for watching.